होंगे तो हमेशा एक तरह एक वीडियो। और तो हमारा आज का जो वीडियो है गाइस, आज का जो वीडियो है, जैसे कि कभी आप लीजिए कोई भी हार्ड डिस्क हो या मेमोरी कार्ड हो या पेन ड्राइव हो, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा हुआ है, उस वीडियो के बारे में आज मैं वीडियो डालने वाला हूँ। तो कभी आपका हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव या फिर मेमोरी कार्ड अगर कभी आपका डिलीट हो जाता है, उसका डाटा डिलीट हो जाता है, तो उसको कैसे रिकवर करेंगे? और फिर जब आप कहीं जाते हैं तो देखेंगे कई सारे, जब आप वीडियो को देखेंगे तो उसमें आपको लगेगा अरे ये तो पैसे मांग रहे हैं, तो पैसे चाहिए, पैड वर्जन है वगैरह वगैरह, काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे देखने को मिलती है। बट ये जो वीडियो है गाइज, फ्री में मैं आपको सामने लाइव प्रैक्टिकल बताऊंगा कि कैसे आपको डाउनलोड करना है, कैसे नहीं करना है, सारा कुछ मैं यहाँ पे इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। अगर आप वीडियो को जानते हैं या इस बारे में जानते हैं तो वीडियो को आप स्किप कर सकते हैं, नहीं तो वीडियो को लास्ट इन तक आप जरूर देखिएगा, जिसमें आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आने वाला है। मैं विद प्रैक्टिकल बताऊंगा आपको कैसे डाउनलोड करना है, कैसे नहीं करना है, सारा कुछ यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिकल देने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो गाइज आपको करना क्या है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूंगा, रिकोवा करके यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा गाइज, जिसमें आपको फ्री में कोई भी पैसे देने की जरूरत नहीं है, कुछ भी एक्स्ट्रा चार्ज देने की जरूरत नहीं है, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो इसमें कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस आपको देने की जरूरत नहीं है गाइज, ये फ्री में है और विद प्रूफ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और आपको लगता है कि इन फ्यूचर कुछ और भी ज़्यादा है, देखिए फ्री में ऐसा कुछ भी नहीं है, सारा फ्री है, एकदम फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे 690 रुपये दे करके आप इसमें थोड़ा सा सपोर्ट और भी, पर मैं नहीं बोलूंगा कि आप 690 रुपये भी खर्चा कीजिए, मैं आपको फ्री में यहाँ पे देने वाला हूँ। फिलहाल अगर आपको नहीं मिलेगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूंगा, आप यहाँ से सिंपल सा सिंपल डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इसको आप प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल कर लेंगे, इंस्टॉलेशन प्रोसेस जैसा कि मैंने देखे यहाँ पे इंस्टॉल करके रखा हुआ है। तो फिलहाल पहले मैं चलता हूँ और मेमोरी कार्ड में पहले मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे कि देखिए यहाँ पे एक मेमोरी कार्ड है और एक डाटा है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो। तो इस डाटा को मैं करने वाला हूँ डिलीट। तो चलिए मैं इस डाटा को कर देता हूँ गाइस डिलीट, आपके सामने विद प्रूफ दिखा रहा हूँ। यही जो डाटा है, एक हमारे पास कुछ फोल्डर्स हैं और यहाँ पे कुछ फोटोज़ वगैरह हैं, तो चलिए मैं इसको कर देता हूँ डिलीट। ये देखिए मैंने आपके सामने कर दिया डिलीट गाइस। अब डिलीट करने के बाद अब सिंपल सिंपल मैं जाऊँगा इस टूल पे, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ गाइस। बट आपको पता है तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं, अगर नहीं पता है गाइस तो वीडियो को लास्ट दिन तक जरूर देखिएगा, जिससे नॉलेजेबल वीडियो होने वाला है गाइस। क्योंकि ये फुल वीडियो, अगर आपको कहीं भी थोड़ा सा भी हेल्प होगा तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए जितना भी हो सकता है गाइस। तो यहाँ पे देख सकते हैं नेस कर देते हैं एक बार। फिलहाल हमें ऑल, जब भी आप इसको खोलेंगे इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखाई देगा, तो आप इसको इंस्टॉल कर लेना है। फिलहाल आई एम नॉट श्योर। तो चलिए गाइस जहाँ पे आपको मैं बता दूँ, सबसे पहले आप नॉट श्योर पे नहीं, आपको जाना है इन स्पेस के जहाँ पे जिस आपको मेमोरी कार्ड, जो भी आपका मेमोरी कार्ड है या फिर हार्ड डिस्क है या फिर पेन ड्राइव है, उसको आपको करना है सेलेक्ट। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ अपना, जो मैंने पेन ड्राइव लगाया हुआ है, तो मैंने पेन ड्राइव को यहाँ पे कर लिया है सेलेक्ट गाइस, जैसा कि मैं आपको दिखा दूँ। इसको कर देंगे ओके। तो देखिए मैंने ई को सेलेक्ट कर लिया, आपको कर देना है नेक्स्ट। और यहाँ पे आपको करना है, यहाँ पे सेलेक्ट करके रखना है, क्योंकि हमें डीप या जो भी होगा हमारा यहाँ पे, इसमें जो भी बैकअप होगा आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ स्टार्ट। तो देख सकते हैं जो हमारी फाइल है, यहाँ पे 14 फाइल फाउंड कर रही है, 3 मिनट 15 मिनट का यहाँ पे दिखा रहा है। तो अभी क्योंकि मैंने डीप पे कर दिया था, तो इसलिए डीप पे अभी जितनी भी पुरानी फाइलें भी होंगी वो सारी, मतलब 1280 फाइलें हैं गाइज यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे जाकर के तो देख ले। तो चलिए गाइस यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, जैसे ही आप स्कैन कर लोगे, डीप स्कैन कर लोगे गाइस, तो यहाँ पे आपके सारे पास ये ऑप्शन आ जाएंगे। तो आप चाहो तो सारे डिलीट, जो डिलीट हुआ डाटा, सारा डाटा रिकवर कर सकते हो, जितना भी आपका डाटा उस मेमोरी कार्ड या हार्ड डिस्क या जो भी होएगा वो आप इससे रिकवर कर सकते हैं गाइस। देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके से। फिलहाल मैं सब नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में जो हमारे जितने फोटोज थे, मैंने आपको जो फोटोज दिखाए थे वही फोटोज मैं यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ। मैंने वहाँ पे टिक कर लिया, अगर आपको सारा डाटा चाहिए तो सारा डाटा ले सकते हैं। अब गेम यहीं पे आता है गाइज, कि अब अगर आप जब इसको रिकवर करने जाते हैं तो पैसे मांगने लगते हैं। तो गाइज ये आपका फ्री में है, फ्री में मैं करके दिखाने वाला हूँ, ये टेस्टेड तरीके से। ऐसा नहीं कि गाइज कोई फेक वीडियो नहीं, ये मैं आपके सामने जेनुअन वीडियो बना रहा हूँ, कोई भी फेक वीडियो नहीं है। तो अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए रिकवर करने के लिए सिंपल सिंपल रिकवर में जाएंगे। अब हमारी जहाँ पे मैं आपको बात करूँ कि जहाँ पे हमें स्टोर करना है, तो मैं न्यू फोल्डर 2 में कर लेता हूँ, मैं डेस्कटॉप पे, और न्यू फोल्डर 2 हमारा यहाँ पे बना हुआ है, तो इसको मैं ओके कर देता हूँ। देख सकते हैं कुछ ही सेकंड में हमारी 5 फाइलें जो है, जो हमने आपको 5 फाइलें दिखाई थी, वो रिकवर हो चुकी है गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो।
अब बात आती है कि हमारी फाइलें आए कि नहीं। तो चलिए हम आते हैं और देख सकते हैं गाइस, एग्जिट जो हमारा डाटा था, जैसा हमारा डाटा था, ये देख सकते हैं हमारा रिकवर हो चुका है। हमने पहले यहाँ पे कुछ भी नहीं रखा हुआ था, तो आप यहाँ पे देख सकते हो गाइस, जो भी हमारा यहाँ पे डाटा था वो पूरा का पूरा डाटा हमारा यहाँ पे आ चुका है। अब ये डाटा, ये जो हमारा पेन ड्राइव लगा था, वही हमारी पेन ड्राइव में देख सकते हैं। उसके बाद जो हमारा ये डाटा था, ये पूरा का पूरा डाटा आ चुका है और यहाँ भी आप देख सकते हैं। और भी आपको डाटा चाहिए, उसमें रिलेटेड जितने भी आपको फाइल चाहिए, आप ये फाइल को भी रिकवर कर सकते हैं। आई होप अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मैंने आपको लाइव प्रूफ दिखाया कि डाटा हमारा बचता है कि नहीं बचता है। तो अगर प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।